दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर रहना नरक में रहने से कम नहीं है, और आज हम आपको 10 ऐसे ही देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर रहना इंसानों के लिए बद से बदतर है। यहां पर रहने वाले हर व्यक्ति को आजाद होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कैद में रखा गया है। और भले ही आप भारत के बारे में क्या कुछ नहीं सोचते होंगे, पर इसे देखने के बाद आपको एक बार ऐसा जरूर लगेगा कि अच्छा है मेरा जन्म भारत में हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस देश का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक देश की सूची में हमेशा शामिल होता है। इस देश ने कुछ सालों पहले ही इबोला नामक एक खतरनाक महामारी का सामना किया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के मुताबिक इस बीमारी से वहां लगभग 2200 लोगों की जान गई। DRC में होने वाली हिंसा के कारण वहां इबोला के मरीजों की देखभाल करना भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल पड़ा, जिसके कारण उनके काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा कम होती जाती थी। इनके अलावा देश भर के शहरों में स्ट्राइक काफी आम है, और अक्सर ये ऐसी स्ट्राइक हिंसक हो जाते हैं और रियोट्स का रूप ले लेती है। हिंसक अपराध भी यहाँ काफी आम है, जैसे आर्म्ड होम रियोट्स, डकैती और हमले, और वहाँ की पुलिस के पास अपराध का जवाब देने के लिए संसाधनों की भी काफी ज्यादा कमी है। कई बार तो पुलिस स्टेशन पर बड़े बड़े क्राइम के लिए FIR तक नहीं लिखी जाती। इन्हीं अपराधों के कारण वहाँ के नागरिकों और पुलिस कर्मियों की मौत भी काफी बड़ी संख्या में होती है। नंबर 7, सीरिया। इस देश का नाम भी सबसे खतरनाक देश की लिस्ट में हर बार लिया जाता है, और इसे काफी ऊपर रखा जाता है। सीरियाई सिविल युद्ध ने मार्च 2011 से देश को नष्ट कर दिया है, और इस युद्ध को 21वीं सदी का दूसरा सबसे घातक युद्ध माना जाता है। आतंकी संगठन ISIS ने इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। इन सब सिविल युद्ध के कारण वहां लाखों लोगों की मौत हो गई, जिनमें हजारों की संख्या में बच्चे भी शामिल थे। यहाँ युद्ध के चरम समय पर छोटे हथियारों, टैंकों, रासायनिक हथियारों, तोपखाने और विमानों के उपयोग खुलकर किया जाता है। इन सब के कारण लगभग 6 मिलियन लोग सीरिया से भाग चुके हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए, और लगभग इतने ही लोग आंतरिक रूप से डिसोलेस्ड हो चुके हैं। अब आप ही सोचिए, आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो और प्लेन से आपके ऊपर हमला हो रहा है, तो कहीं टैंक से गोला बारूद चल रहे हैं, तो कहीं बंदूकें चल रही हैं। ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा। नंबर 6, यमन। इस देश में रहना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। इस देश में भी सिविल वॉर चलते रहते हैं, जिनके कारण काफी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है, जिनमें काफी बच्चे और जवान लोग भी शामिल हैं। इतने बुरे हालात के कारण लोगों के बीच एक डर का माहौल बना हुआ है। यमनी सिविल वॉर दो समूहों के बीच साल 2015 में शुरू हुआ। एक तरफ अब्द रबू मंसूर के नेतृत्व वाली सरकार, तो दूसरी तरफ विरोधी हाउथी आर्म्ड मूवमेंट, और दोनों तरफ पॉलिटिकल फायदे और अपने भले के लिए आम लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। यमन में इन सब युद्ध के कारण लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार यमन में अब तक लगभग 4 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, और लगभग 14 मिलियन से ज्यादा लोग भुखमरी और किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित होने के खतरे के बीच में जी रहे हैं। यमन के लगभग 80% आबादी को ह्यूमन हेल्प की सख्त जरूरत है। नंबर 5, सोमालिया। इस खतरनाक देश की सूची में अगला नाम सोमालिया का आता है। इस देश के लगभग सारे हिस्सों में किडनैपिंग रेट काफी ज्यादा हाई है। यहाँ अपराधी खुलेआम इस जुर्म को अंजाम देते हैं। यहाँ काफी आतंकी हमले भी होते हैं, जिसके कारण इंटरनेशनल हवाई अड्डे, सरकारी बिल्डिंग्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर हमेशा हमले का खतरा बना हुआ रहता है। इन हमलों में ज्यादातर सरकारी अफसरों, विदेशियों और यूनाइटेड नेशन के कर्मियों को निशाना बनाया जाता है। इनके अलावा भी सोमालिया खाने की कमी और सूखे से काफी ज्यादा परेशान है, जिसका कारण वहाँ का अस्थिर वातावरण है, और इसी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट की काफी ज्यादा किडनैपिंग होती है। नंबर 4, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इस देश को भी रहने के लिए काफी ज्यादा खतरनाक देश माना जाता है। साल 2017 में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद देश में लॉलेसनेस काफी तेजी से और लगातार बढ़ रही है और फैल रही है। इस देश में इतनी अशांति का मुख्य कारण सेलिका रेबल्स और एंटी बलाका मिलिटिया नामक दो समूह के बीच की लड़ाई है। इस संघर्ष के कारण 6 लाख से ज्यादा लोगों को आंतरिक रूप से डिस्प्लेस्ड होना पड़ा, और लगभग 8 लाख लोगों को अपने देश को छोड़कर रिफ्यूजीज के रूप में पड़ोसी देशों में जाना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाकर उनकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी है, पर वहाँ पर भी उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ता है। इनके अलावा देश भर में हिंसा, लूटपाट और ह्यूमन राइट्स वायलेट होना भी
काफी आम बात है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का जीवन काफी ज्यादा बेहाल है। नंबर 3, लीबिया। लीबिया को दुनिया का सबसे भयानक देश माना जाता है। लीबिया ने अब तक अपराध, सिविल वॉर, अपहरण जैसी घटनाएं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और आतंकवाद के उच्च स्तर का अनुभव किया है। लीबिया में ज्यादातर हिंसा अलग अलग नागरिक सेनाओं के आपस में लैंड और रिसोर्सेज के लिए भिड़ने के कारण ही होते हैं। इतनी हिंसा के कारण वहाँ काफी लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें से ज्यादातर लोग बेकसूर थे। आतंकी संगठन ISIS द्वारा भी यहाँ काफी हमले किए जाते हैं, जिनके कारण काफी बड़ी संख्या में नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान चली जाती है। इतनी अशांति के कारण देश का माहौल काफी ज्यादा खराब और तनाव से भरा रहता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का जीवन काफी बेकार पड़ा हुआ है। वहाँ की राजधानी त्रिपोली और अन्य बड़े शहरों जैसे सुमन, अलजुफरा, मिसराता, अजदाबिया और बंगाजी लगातार मिलिशिया और आतंकवादी हमलों के बीच लड़ाई के स्थान बने रहते हैं, जिनके कारण अब तक हजारों लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें काफी बड़ी संख्या में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और सरकार की बात करें तो वो कोशिश करती है, लेकिन उनसे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। कई लोग तो इसके लिए सरकार को भी दोषी ठहराते हैं। नंबर 2, साउथ सूडान। साउथ सूडान को भी सबसे खतरनाक देश की सूची में शामिल किया जाता है। काफी ज्यादा सिविल वॉर और ऊंचे क्राइम रेट के कारण ये देश काफी बदनाम है। यहाँ पर डकैती, हमले, कारजैकिंग, हत्या और अपहरण खुलेआम किए जाते हैं, जिनके कारण यहाँ रहने वालों की जिंदगी काफी बेकार बनी रहती है। सरकार और उनके विरोधियों के बीच भी यहाँ आर्म्ड लड़ाई चलती रहती है। देश की राजधानी जुबा के बाहर कानून या लॉ ऑर्डर दोनों में से किसी की नहीं चलती, जिसके कारण यहाँ क्राइम रेट इतना ज्यादा हो गया है कि सरकार हो या पुलिस, कोई भी अब इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ आसपास के देशों के बॉर्डर वाले स्थानों को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसके अतिरिक्त साउथ सूडान नेचुरल डिजास्टर के लिए भी उच्च जोखिम में है, जो कि बची कुची कसर को पूरी कर देता है। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया। इस देश में रहना खुद आग से खेलने जैसा ही है। कोई अपने सपने में भी इस देश में जाना पसंद नहीं करेगा। इस देश को सालों से नॉर्थ कोरियन तानाशाहों द्वारा चलाया जाता है। अगर देश का कोई नागरिक उनके इस सरकार का विरोध करे तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इस देश ने अपने नागरिकों के लिए काफी सारे सख्त नियम भी बना रखे हैं। अगर कोई नागरिक किसी नियम का पालन ना करे तो उन्हें दंडित किया जाता है, जिसमें मौत की सजा भी शामिल होती है। देखा जाए तो ये छोटी छोटी बात के लिए भी मौत की सजा हो सकती है। नॉर्थ कोरिया देश खुद में ही अपने पॉलिसीज बनाता है और इसे बाकी देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। कोई देश अगर इनका विरोध करे तो नॉर्थ कोरियन सरकार उन्हें सीधे सीधे हमले की धमकी दे डालते हैं। इस देश ने काफी सारे न्यूक्लियर हथियार भी बनाए हैं, जिनका वो समय समय पर टेस्ट और प्रदर्शनी करते हैं, ताकि बाकी देशों को उनकी तानाशाही ताकत दिखा सके। इन तानाशाही ताकतों का सीधा प्रभाव वहाँ के नागरिकों पर ही होता है और उन्हें अपनी जिंदगी डर के साए में गुजारनी पड़ती है। यहाँ पर नागरिकों का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। भले ही वो इस देश में रहते हैं, लेकिन ये देश एक बड़े जेल से कम नहीं। देखा जाए तो भारत की जेल भी इससे बेहतर है। यहाँ पर छोटे बच्चों के सामने गुनहगारों को सर पर गोली मारकर उनके अंदर डर बैठा दिया जाता है। यहाँ पर जन्म लेने से अच्छा तो है कि जन्म ही ना ले। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा ये वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और ज्यादा अद्भुत वीडियोस के लिए पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।